कि शहर से बाहर थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक दरख्त रहता है। चश्मदीद है वो खुद अपनी अनगिनत दर्दनाक चीखों का जो रात की खामोशी तले दबा दी गई। हर शब्द सितम होते रहे इस पर, हर सवेरे उगते सूरज के साथ ये कोशिशें करता है गई रात के उस वाकये को बुरा सा ख्वाब मानकर भूल जाने की। पर हवा के हर झोंके के संग रूह सिहर उठती है उसकी और याद दिला देती है उसे इस शब्द भी मिलेंगे जो उन जख्मों की। ना आने देता है शिकन कुछ, ये है जो ये दुख जाहिर नहीं होने देते उन पे, कि ना आने देता है शिकन कुछ रुख पे अपने कि बच्चे जो हर दिन उसके साये तले खेलते हैं, जो छाव में खेलते हैं पेड़ की, उसे जलता देखकर दूरी ना कायम कर ले उससे। जल गई हो चाहे जड़े सब उसकी, पर ये आज पत्तों तक ना आने पाए ये सोचकर दर्द अपने दबा रखे हैं जमीन के तले। हाँ सूखे पत्तों तले परिंदे भी तो आशिया नहीं रखते। जली गली जड़ों से अब पानी नहीं खींचा जाता, सो एक अरसे से अपने फलों को खून से अपने सींचता ये सोचता है कि चाहे बची जिंदगी भले ही और कम हो जाए पर साथ रहे राहगीरों का आखिरी दिन तक, जो इसकी फलों जो इसके फलों की चाह में आते हैं इसके पास। हर पास आती आहट से सुकून मिलता है इसे, थोड़ा जज्बाती है क्या करें। और आखिरी दिन जब गिरेगा जमीन पर हैरत तो सब करेंगे कि कैसे एक सब्ज दरख्त यूं आकर गिरा और वफात हो गया। शायद ना जान पाएगा उसके हालात कोई सिवाय उस जमीन के, जो वाकिफ थी उसकी दर्द भरी हर चीख से, जो उसे बचाना तो चाहती थी पर बचा ना सकी। हाँ इस दरख्त सा था वो यार मेरा जिसने छुपाए इस दुनिया से सारे दर्द, और मैं बस उस जमीन सा जो उसका चश्मदीद बनने के सिवाय और कुछ कर ना सका। दिल में ये दर्द रहेगा सदा कि मैं कुछ कर ना सका। Hey guys! अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।